हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो फॉर एग्रीकल्चर। सो गाइस, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने नेक्स्ट ऑर्डर, दैट इज़ आइसोप्टेरा। ठीक है, सो मैं लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि ये जो ऑर्डर है आइसोप्टेरा, ये बहुत ही छोटा ऑर्डर है। ठीक है, इसमें बेसिकली एक ही इंसेक्ट आता है, दैट इज़ टर्माइट। इसीलिए इस ऑर्डर को आप उतना डिटेल में जाके पढ़ने की मतलब कोई नीड नहीं है। आपने टर्माइट देखा है और आप उसके जनरल कैरेक्टर्स को डिस्कस कर सकते हो। फिर भी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं इस लेक्चर में डिस्कस कर दे रहा हूँ। सो ये जो लेक्चर है बहुत बड़ा नहीं होगा। इसके अलावा अगर किसी को भी कुछ प्रॉब्लम होता है इस ऑर्डर से रिलेटेड तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। ठीक है, मैं वहाँ पर आपको आंसर कर दूंगा। सो गाइस, चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और जैसे मैंने बताया कि इस ऑर्डर में हम डिस्कस करने वाले हैं आइसोप्टेरा के बारे में। सो सबसे पहले आइसोप्टेरा का मीनिंग क्या होता है। आइसो मींस हो गया सेम, एंड टेरा मींस, यहाँ पे पी जो होता है साइलेंट होता है, तो टेरा का मीनिंग होता है विंग्स। जैसे मैंने पहले ही बताया है, डिप्टेरा ही पढ़ाया था। ठीक है, तो आइसो मीनिंग क्या हुआ, इक्वल, एंड टेरा मींस विंग। तो ऐसे इंसेक्ट्स इस ऑर्डर में आते हैं जिनके जो विंग साइजेस होती हैं, जो विंग्स हैं यानी फोर विंग और हाइंड विंग, वो दोनों इक्वल साइज का होता है। ठीक है, तो वो आता है आइसोप्टेरा के अंदर में। तो जो उसका कॉमन नेम है दैट इज टर्माइट्स, यानी आइसोप्टेरा को हम कॉमनली टर्माइट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, और आइसोप्टेरा को, आइसोप्टेरा में मेनली हम किस चीज को डिस्कस करते हैं, दैट इज टर्मीडे। टर्मीडे, टी ई आर एम आई डी, सॉरी टी ई आर एम आई टी आई डी ए, टर्मीडे। ओके, सो अब इसके हम कैरेक्टर्स के बारे में बात करें तो इनकी बॉडी, ठीक है, आप पहले एक बार इसका मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ। आप देखो, दिस इज टर्माइट। ठीक है, तो आप इसके बॉडी के कलर को देख रहे हो। यहाँ पे डिफरेंट स्टेजेस दिखाया गया है, दैट इज एडल्ट, और इनके निम्फ वगैरह हैं, मैं इनको डिस्कस करूंगा। तो अब इनके बेसिकली बॉडी कवर कवर को देखो, और बॉडी के कलर को देखो, और बॉडी के साइज को देखो। ठीक है, तो इससे आपको क्या पता लग रहा है कि अगर इनके कैरेक्टर्स के बारे में बात करें तो दे आर पेल एलोंगेट बॉडी। ठीक है, एंड्स आर समटाइम्स आर कॉल्ड वाइट एंड्स। इनको हम कभी कभार इनको वाइट एंड्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, वेट अ सेकेंड। ओके, सो अगर हम बात करें इनके रिप्रोडक्टिव के बारे में, यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, तो रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स हैव टू पेयर ऑफ मेम्ब्रेनस विंग। ठीक है, मतलब इनके पास जनरली जैसे इंसेक्ट के पास जो विंग होता है, इनके पास भी टू पेयर ऑफ विंग्स हैं, दैट इज मेम्ब्रेनस विंग एंड इक्वल लेंथ। यही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसका नाम क्या है, आइसोप्टेरा। टर्माइट्स स्प्रेड देयर विंग्स आफ्टर मेटिंग। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जब टर्माइट्स मेटिंग कर लेते हैं तो अपने विंग्स को स्प्रेड कर देते हैं, यानी गिरा देते हैं, छोड़ देते हैं, अपने शरीर से अलग कर देते हैं। हैव चिविंग माउथ पार्ट, इनका जो माउथ पार्ट होता है दैट इज ऑफ चिविंग टाइप। आप अभी इमेज में भी देख रहे थे आगे कैसे निकला हुआ था, जैसे लग रहा था किसी चीज को काटना है। ठीक है, यानी कैंची की तरह, सीजर टाइप लग रहा था, तो दैट इज अ चिविंग टाइप। ठीक है, एंटीना रफली द लेंथ ऑफ देयर हेड्स, कहने का मतलब है कि लगभग जो उनका हेड का साइज होता है उतना ही बड़ा उनका एंटीना भी होता है। तो दैट आर दी, या कह सकते हैं दीज आर दी बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ दी टर्माइट्स यानी आइसोप्टेरा। अब इनके हम आते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। तो इनका जो क्लासिफिकेशन है वह दो पार्ट में किया गया है, हेमी मेटाबोला एंड ऑर्थोप्टेराइड। ठीक है, हेमी मेटाबोला क्या है, ये इसमें ऐसा होता है कि जो इंसेक्ट होता है उनका इनकम्प्लीट डेवलपमेंट होता है। ठीक है, इनकम्प्लीट डेवलपमेंट कहने का मतलब क्या है, एग से वो क्या बनते हैं, निम्फ स्टेज में आते हैं, और निम्फ से फिर चले जाते हैं एडल्ट में। कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक लार्वा प्यूपा एडल्ट सिस्टम नहीं है। हेमी मेटाबोला में क्या हुआ, इनकम्प्लीट डेवलपमेंट, दैट इज एग, निम्फ एंड एडल्ट। सेकेंड जो क्लासिफिकेशन है दैट इज ऑर्थोप्टेराइड, जिसमें हम कह सकते हैं कि दे क्लोज रिलेटेड टू बेलाटोडिया। ठीक है, बेलाटोडिया क्या है, कॉकरोच का ग्रुप है। ठीक है, मेंटोडिया क्या है, मैंटिस का ग्रुप है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ऑर्थोप्टेराइड, इसमें जो इंसेक्ट पाए जाते हैं दैट इज क्लोज रिलेटेड टू दी कॉकरोचेस एंड मैंटिस। आपने प्रेइंग मैंटिस का नाम सुना होगा। ठीक है, आई होप आपको जो क्लासिफिकेशन है और जनरल कैरेक्टर जो है वो समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू दी मेजर फैमिलीज। ठीक है, इनके मेजर फैमिलीज जो हैं बेसिकली चार हैं। आप देखो, मेजर फैमिलीज बहुत आसान है। ठीक है, इनका बेसिकली किस तरीके से हमने इनको डिवाइड किया है कि वो अपना नेस्ट कहाँ बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट जो फैमिली है दैट इज राइनोटर्मिडे। ठीक है, इसको हम सबटेरेनियन टर्माइट्स भी कहते हैं। दीज इंसेक्ट बिल्ड देयर नेस्ट इन दिस सॉइल। ठीक है, सॉइल में अपना नेस्ट बनाते हैं, एंड जनरली इन्फेस्ट वुड। कहने का मतलब है ये एज अ फूड किसको यूज करते हैं, वुड को, यानी लकड़ी खाते हैं, दैट इज इन कॉन्टैक्ट ऑफ द ग्राउंड। इंपॉर्टेंट बात है कि वही लकड़ी को खाएंगे जो कि ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में है। ठीक है, तो ये हो गया पहला कैरेक्टरिस्टिक राइनोटर्मिडे का। सेकेंड अगर हम बात करें तो होडोटर्मिडे है। ठीक है, होडोटर्मिडे जो है बेसिकली उनको कॉमन नेम हम क्या जानते हैं, इनका रॉटन वुड टर्माइट्स।
ठीक है, जनरली फाउंड इनहैबिटिंग मॉइस्ट वुड, जहाँ पे गीली लकड़ियाँ हैं यानी भींगी हुई हैं, ठीक है, वहाँ पे ये टर्माइट्स पाए जाते हैं। कॉन्टैक्ट विद द सॉयल इज नॉट अ रिक्वायरमेंट, मतलब कहने का मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो जो लकड़ी जो भींगी होनी चाहिए, गीली होनी चाहिए, वो ज़मीन पे ही होनी चाहिए, वो कहीं पे भी हो, ठीक है। लेकिन अगर हम राइनोटर्मीडे में देखें तो वो कहाँ होना चाहिए, इन कॉन्टैक्ट ऑफ द ग्राउंड, जैसे मैंने यहाँ पे मैंशन किया है। तो ये दो मेजर फैमिलीज हो गई, ठीक है। थर्ड अगर हम डिस्कस करें तो थर्ड इज द कैलोटर्मीडे, ठीक है। ये बेसिकली कहाँ, ड्राई वुड एंड डैम्प वुड टर्माइट्स होते हैं। दीज इंसेक्ट्स नेस्ट इन द वुड, यानी लकड़ी में रहते हैं इटसेल्फ, एंड डू नॉट रिक्वायर कॉन्टैक्ट विद द सॉयल। इनको सॉयल से रिक्वायर, मतलब सॉयल से अटैचमेंट वाली बात ऐसा नहीं है कि जो नेस्ट होगा वो सॉयल में ही बने और वहाँ पे ही वो फूड ले, ऐसा कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है। दैट इज द कैलोटर्मीडे। एंड लास्ट वन इज द टर्मीडे। दिस इज द लार्जेस्ट फैमिली ऑफ द टर्माइट्स वर्ल्ड वाइड, मतलब ये जो आप जनरली टर्माइट्स देखते हो बेसिकली वो यही होते हैं, टर्मीडे ग्रुप के, यानी टर्मीडे जो फैमिली है वो उससे बिलोंग करते हैं, जो मोस्ट ऑफ द टर्माइट्स होते हैं। आई होप जो अभी हमने फैमिली डिस्कस की है वो आपको समझ में आ गया होगा। बेसिकली मैंने पहले ही बोला था कि आइसोप्टेरा में हमें डिस्कस किसके बारे में करना है मेनली, दैट इज ओनली फॉर द टर्माइट्स। तो हम बेसिकली बात करने वाले हैं टर्मीडे के बारे में, ठीक है। वेट अ सेकेंड, यस, इस लेक्चर में हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, ओनली टर्मीडे, और उसके हम फिजिकल कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो यहाँ पे आप इमेज से पहले देखो, ये रहा विंग एडल्ट, ये रहा वर्कर और ये रहा सोल्जर। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको कन्फ्यूजन एक दूर कर देता हूँ कि जो मतलब जो टर्माइट्स होते हैं यहाँ पे, जो इमेजेस आप देख रहे हो, ऐसा नहीं है कि ये एक एडल्ट है और एक मेल है एक फीमेल है, ऐसा नहीं है। इनके एडल्ट में तीन तरीके के एडल्ट होते हैं, ठीक है। एक विंग एडल्ट, ठीक है, सेकेंड इज द सोल्जर एडल्ट, ठीक है, और थर्ड इज द वर्कर। इन सब का जो काम है वो बटा हुआ है, ठीक है। कोई मैटिंग के लिए बना है, कोई नेस्ट, जो इनका जो घर बनाना है, अपने टर्माइट्स के किले देखे होंगे जिनको कहते हैं हम, ठीक है। टर्माइट्स बहुत बड़े मिट्टी को खोद खोद के यानी लकड़ी को खा खा के अपना घर बनाते हैं, बहुत बड़े बड़े इनके घर होते हैं। तो सोल्जर, वर्कर एंड एडल्ट, इनके अलग अलग फंक्शन हैं, ठीक है। बेसिकली जो विंग एडल्ट होते हैं यही मैटिंग करते हैं, इंपॉर्टेंट ये था, आप यही ध्यान रखना, ठीक है। अब इनमें देख सकते हो इनमें विंग्स नहीं है, इनमें भी विंग्स नहीं है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि आप ध्यान रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इमैच्योर और एडल्ट में डिफरेंस कहाँ कहाँ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा इमैच्योर यानी वर्कर्स एंड सोल्जर्स के बारे में, एंड इधर बात करूँगा जो विंग्ड है यानी एडल्ट्स के बारे में जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहला, बॉडी पेल इन कलर होता है वर्कर्स का, समवॉट एंट लाइक, ये चींटियों की तरह दिखते हैं, ठीक है, अपीयरेंस, ठीक है, बट विद ए ब्रॉडर जंक्शन बिटवीन थोरेक्स एंड एब्डोमेन। कहने का मतलब है इनमें थोरेक्स और एब्डोमेन के बीच में बड़ा गैप होता है, ठीक है। जंक्शन मतलब जो उनका जो गैप है वो थोड़ा चौड़ा होता है, ठीक है। एडल्ट में बात करें तो बॉडी में भी डार्कली पिगमेंटेड, ठीक है, डार्क होगा, यहाँ पे पेल कलर है, ठीक है, और यहाँ पेल येलो, बेसिकली कहने का मतलब पेल ब्राउन, पेल येलो कलर का है, लाइट कलर के हैं, और ये जो होते हैं डार्कली पिगमेंटेड होते हैं। सेकेंड बात करें तो इनमें कंपाउंड आइज आर स्मॉल और एबसेंट। आइज स्मॉल हो सकती हैं, हम जानते हैं इंसेक्ट के केस में बेसिकली क्या होता है, कंपाउंड आइज ही होता है, तो आइज जो हो सकता है स्मॉल या फिर एबसेंट हो सकता है, लेकिन जो हमारा एडल्ट है उसमें आइज जो होंगी प्रेजेंट होंगी और वो कम्प्लीटली फंक्शनल होंगी, ठीक है। नेक्स्ट, हेड जो होगा लार्ज होगा वर्कर्स के केस में, सिलिंड्रिकल होगा और स्मॉल और राउंड भी हो सकता है, ठीक है। तो हेड का कंडीशन क्या है, लार्ज एंड सिलिंड्रिकल और स्मॉल और राउंड, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप अभी इमेज से भी देख सकते हो इस चीज़ को, मैंने ऊपर भी दिखाया था क्योंकि वर्कर अलग है, ठीक है। और अगर हम बात करें, आप देख लो एक बार, देख लो, वर्कर अलग है, सोल्जर अलग है, विंग एडल्ट अलग है। तो इनके हेड्स को आप देखोगे तो राउंडेड हेड्स भी हैं इनके पास में, ठीक है, इलॉन्गेटेड हेड भी हैं, ठीक है। एडल्ट में भी देखो तो राउंडेड हेड ही है। तो कहने का मतलब है कि हम साथ साथ में इमैच्योर्स यानी वर्कर और सोल्जर्स को दोनों को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हेड का क्या ध्यान रखना है, हेड लार्ज भी हो सकता है, मतलब लार्ज प्लस सिलिंड्रिकल हो सकता है, और स्मॉल और राउंड भी हो सकता है, ठीक है। हेड अगर हम एडल्ट में बात करें तो वेल डेवलप होता है, चिविंग माउथ पार्ट होता है, एंड बीडेड एंटीना। एंटीना का मैंने क्लासिफिकेशन पढ़ाया है, आप लेक्चर देख लेना, ठीक है। आप जस्ट यूट्यूब में आप सर्च करोगे गो फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है, टाइप्स ऑफ एंटीना, तो वहाँ पे आपको ये लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जैसे यहाँ पे क्या है, एंटीना इज बीडेड, ठीक है। यहाँ बात करेंगे टू पेयर्स ऑफ द मेम्ब्रेनस विंग, जिनका विंग होता है सिर्फ विंग्स तो इन्हीं में प्रेजेंट है, तो इनमें मेम्ब्रेनस विंग पाया जाएगा। ऑल सिमिलर इन शेप एंड साइज, विंग्स आर स्प्रेड आफ्टर मैटिंग, जैसे मैंने बताया कि मैटिंग के बाद यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद ये जो इनका विंग होता है वो स्प्रेड ऑफ हो जाता है, यानी बॉडी से अलग हो जाता है, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट, इनके माउथ पार्ट्स के बारे में बात करेंगे तो माउथ
पार्ट इज ऑफ चीविंग टाइप समटाइम्स विद लार्ज मैंडिबल्स। ठीक है, मैंडिबल्स कभी कभी इनके बड़े भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक जो चीज़ था वो ही मुझे डिस्कस करना था इस ऑर्डर में, यानी आइसोप्टेरा के अंदर में। आई होप गाइस आपको ये जो लेक्चर है समझ में आया होगा। यहाँ पे मैंने ये इमेज आपको पहले दिखा दिया था, आप यहाँ पे एक चीज़ गौर करो। ठीक है, यहाँ पे इनके हेड को देखो, यहाँ पे इनके हेड को देखो और यहाँ पे ये हेड को देखो। ठीक है, तब हेड से आप देख सकते हो कि इनके हेड में थोड़ा सा वेरिएशन है। सो इसमें कन्फ्यूजन करने वाला कोई भी चीज़ नहीं है। बेसिकली आपने टर्माइट देखा हुआ है तो जनरली उनके ही कैरेक्टर्स और अपीयरेंसेस को हमें जो है एग्जामिनेशन मेंशन करना है, और बहुत ही छोटा ऑर्डर है। सो गाइज आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर किसी को भी कुछ प्रॉब्लम है इस लेक्चर में तो मुझसे कॉमेंट सेक्शन जरूर पूछे, मैं वहाँ पर आपको आंसर जरूर करूँगा। सो गाइज अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब गो फॉर एग्रीकल्चर एजुकेशन, जहाँ पर आपको ऐसे लेक्चर्स रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेंगी। सो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।